सारे के सारे उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम जो है बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा, आज का जो टॉपिक है वो बहुत सीरियस होने वाला है। इस टॉपिक से जो है आपका जो है यूट्यूब चैनल जो है चलाना आसान हो जाएगा। और ये जो आज हम चीज़ बताने वाले हैं, इससे अगर आप बच के रहेंगे तो आपका चैनल पे आगे चल के जो है कोई भी जो है बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। इससे आप जो है बच सकते हैं और जो है आपका चैनल जो है एक अच्छा खासा चैनल की तरह रन करेगा। आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्या है वो टॉपिक, तो चलिए बताते हैं। वो टॉपिक जो है कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है और कॉमेंट्री गाइडलाइंस आखिर होता क्या है, इन तीनों में से सबसे खतरनाक क्या है, किससे ज़्यादा आपके चैनल को इफेक्ट पड़ेगा, कितना आपके चैनल को नुकसान होगा, इसे आप कैसे हटा सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा कि आपके चैनल में कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी गाइडलाइन आया है, तो सब कुछ जो है इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहना, और अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे वीडियो चैनल पर मिलता रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी का वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, इन तीनों में से आप कह के किसको कैसे हरा सकते हैं। तो चलिए सब कुछ जो है वीडियो में बताते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले ये सब नहीं था, कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक्स, कम्युनिटी गाइडलाइन, ये सब जो है यूट्यूब में कुछ भी नहीं था। हालांकि आज से कुछ साल पहले YouTube जो है एक सिंपल YouTube था, बट अभी जो है बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। कभी कोई अगर किसी फंक्शन में जाता था, वहाँ का ये कैप्चर करके बस डाल देता था, वहाँ से उसको जो है अच्छा खासा अर्निंग होना हो जाता था, क्योंकि साथ ही साथ जो है चैनल मोनेटाइज हो जाता था। बट अभी ये क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है तो ही जो है आपका चैनल मोनेटाइज होता है, वरना जो है आपका कोई भी अर्निंग नहीं होता है। इसी के थ्रू से यूट्यूब ने जो है कुछ ये लागू किया है। तो सब ये जो तीन चीज़ है, सबसे पहले हम एक एक से ये करने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम आखिर होता क्या है? देखिए, कॉपीराइट क्लेम जो है ना, इससे ये जो है अगर आप किसी का गाना यूज़ करते हैं ना, तो अगर आप किसी का गाना, किसी का जो है इफ़ेक्ट या कुछ भी यूज़ करते हैं, किसी का फ़ोटो वोटो कुछ भी यूज़ करते हैं, तो वो जो है कॉपीराइट क्लेम दे सकता है जिसका आपने फ़ोटो जो है ये किया है। हाँ, अगर आप जो है कॉपीराइट क्लेम से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो जिस चीज़ को आप यूज़ कर रहे हैं किसी और का, उसका क्रेडिट जो है आपको डिस्क्रिप्शन पे लिख देना पड़ेगा कि हाँ इसका क्रेडिट जो है इनको जाता है। अगर आप उसका क्रेडिट उनको दे देते हैं तो वो जो है आपके चैनल पे जो है, चैनल का वीडियोस पे जो है, जिस वीडियो पे आप ये किए हैं उस पे जो है वो कॉपीराइट क्लेम नहीं देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कॉपीराइट क्लेम क्या होता है आप समझ गए होंगे। तो दूसरा जो मेन चीज़ आता है वो है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो ये क्या है? ये बहुत डेंजरस है गाइस। आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपके चैनल पे 3 कॉपीराइट्स आए 90 दिन के अंदर, मतलब 3 महीने के अंदर आपके चैनल पे अगर 3 कॉपीराइट्स आ गए तो समझ लीजिए आपका चैनल जो है 10-12 दिन के अंदर जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो कॉपीराइट स्ट्राइक्स कैसे आते हैं? अगर आप किसी का वीडियोस चुराते हैं, अगर आप किसी का म्यूज़िक चुराते हैं और उनका क्रेडिट तो दूर, कुछ आप उनको नहीं देते, पूरा का पूरा स्क्रिप्ट चुरा लेते हैं या कुछ भी चुरा लेते हैं, अगर वो सब उनको पता लग जाता है, वो क्या करता है, डायरेक्ट जो है आपको जो है कॉपीराइट स्ट्राइक दे देते हैं। और कॉपीराइट स्ट्राइक जो है सिर्फ उन्हें वही हटा सकते हैं जिन्होंने आपको दिया है। मतलब कॉपीराइट स्ट्राइक जो है 90 डेज में ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अगर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो 90 डेज के बाद, 3 महीने के बाद जो है कॉपीराइट स्ट्राइक जो है वो हट जाएगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। बट हाँ, अगर 90 डेज के अंदर 3 कॉपीराइट एक साथ आ गए तो आपका चैनल जो है वो कोई भी बचा नहीं सकता, आपका चैनल जो है टर्मिनेट हो जाएगा। हालांकि ऐसा जो है कैरी मिनाटी के साथ हुआ था, बट उनका जो है बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग था, इसलिए उनका चैनल जो है वापस आ गया था, टर्मिनेट यूट्यूब ने नहीं किया था। तो आपका उतना तो फैन फॉलोइंग होगा नहीं, तो आप जो है संभल के चलिएगा। तो आप तीसरी चीज़ पर बात होती है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस। देखिए, ये जो है ये बहुत आसान है। कम्युनिटी गाइडलाइंस ये है कि जैसे कि देखिए, आप एक सर्कल के अंदर है, ठीक है, और आपका ये रूल्स है कि आप सर्कल के बाहर नहीं जा सकते। अगर आप सर्कल के बाहर जाते हैं तो आपका जो है खतरा हो सकता है। ये एग्जांपल के थ्रू से मैं बता रहा हूँ। तो बस ऐसा ही है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस यही है कि आपको एक अंडर में रहकर जो है वीडियोस बनाना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब में जो है सेक्सुअल वीडियोस बनाना अलाउड नहीं है, डर्टी वीडियोस या कुछ रेयर ऐसे वीडियोस या कोई
क्रिमिनल रिलेटेड वीडियोज़ या अदर रिलेटेड वीडियोज़ जो जिससे हार्मफुल हो सकता है पीपल्स को, ऐसा जो है वीडियोज़ बनाना जो है अलाउ नहीं है। जैसे कि कोई ऐप्स जिससे कोई किसी का फ़ोन ट्रैकिंग हो या वगैरह वगैरह, ऐसा वीडियोज़ जो है बनाना जो है यूट्यूब में अलाउ नहीं है। ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंडर में आता है। तो ऐसे अगर आप वीडियो बनाते हैं तो आपके चैनल में कम्युनिटी गाइडलाइंस पड़ जाएगा, इससे आपको वार्निंग मिलेगा। अगर आप फिर भी वीडियोस बनाते हैं तो आपका जो है चैनल आगे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल पर नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।